दारूना नशामां गरबाशोए परत फरता नबीराओए भीमराड खाते चालता गरबामां कार घुसाड़ी लाउडस्पीकर ओडी कार अने ट्रांसफॉर्मर पासेना वायरना रोल ने नुकसान कर्यो जेने लोकोए पकड़ी पोलीसने सोंप्या तो कारमां आग लगाड़नारोनी पण पोलीसे अटकायत करी हती। दारूना नशामां गरबा जोईने परत आवी रहेला कार चालके भीमराड गाममां कार लई प्रवेशी गया अने त्यारबाद लाउडस्पीकर ओडी कार ट्रांसफॉर्मर पासेना वायरना रोल ने नुकसान करी भागवानो प्रयास करता स्थानिकोए हाईवे परथी कार साथे चालक अने तेना बे मित्रोने पकड़ी पाड्या। अलथाण पोलीसे रायोटिंगनो गुन्हो नोंधी 9 लोकोनी धरपकड़ करी हती। कल रात को अलथान पुलिस स्टेशन विस्तार में भीमराड गांव आता है तो वहां से पांडेसरा की हद में रहने वाले 3 लोग एक इनोवा गाड़ी में बैठ के G9 गरबा डोमस की हद में जो है वहां से आ रहे थे। तो वहां पे अलथान पुलिस स्टेशन की हद में विलेज सन्स के सामने इन्होंने ये कुछ वहां पे रात को खाएंगे पिएंगे पर एक कट मिस हो जाने की वजह से भीमराड गाँव के अंदर चले गए और वहां पे अंदर गाँव का गरबा चल रहा था तो रास्ते में बाइक खड़ी थी और कुछ लोग बैठे हुए थे तो वहां से गाड़ी निकालने लगे एक लाउड स्पीकर को गाड़ी टच हो गई तो वहाँ खड़े हुए लोग जब इनकी तरफ उठ के आए तो इन्हें ये डर है कि ये लोग हमें मारेंगे इन्होंने गाड़ी को रिवर्स करके वहाँ से भगाया। तो गांव में साइड में एक ओडी खड़ी हुई थी उस गाड़ी को इन्होंने टक्कर मारी फिर ये अलथान खाड़ी ब्रिज की तरफ वहाँ से भाग गए। तो गाँव के कुछ लड़कों ने बाइक से इनका पीछा किया और वहाँ पे खाड़ी ब्रिज पे जाके इनकी इनोवा गाड़ी उसको आग लगा दी और इन तीनों को वहाँ से उठा के और गाँव में ले आए और गाँव में इनके साथ मारपीट शुरू की। मारपीट जब इनके साथ हो रही थी उसी टाइम पे पुलिस की पेट्रोलिंग वाली बाइक वहां से निकली और उन्होंने बीच बचाव करके इन दोनों को साइड में किया। बाद में पुलिस का जाप्ता बुला के इन दोनों तीनों जो लड़के थे इनको पुलिस स्टेशन लाया गया और बाद में CCTV देखे गए तो CCTV के बेस पे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने वो गाड़ी में आग लगाई और उनके साथ मारपीट किया। तो उनमें भीमराड गाँव के ही रहने वाले हैं बेनिश शैलेश मार्क ऋत्विक आकाश पिंकल स्वप्निल दिव्येश और चिंतन ये 9 लोग को आइडेंटिफाई किया और अभी हम लोग और तपास कर रहे हैं कि और कोई आरोपी है जो इसमें गुनाह में शामिल था तो उनकी भी बाद में धरपकड़ की जाएगी। मारने में बोला जा रहा है कि 20 से 25 अब वो हम CCTV देख रहे हैं और CCTV के आधार पे आइडेंटिफाई कर करके जितने भी लोग हैं उनको किसी भी गुनाह करने वाले आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।